देश में प्रियंका रेड्डी को न्याय देने के ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने पैदल मार्च किया। भारी फोर्स को लेकर अधिकारी शहर के संवेदनशील इलाकों में घूम अधिकारियों ने बताया कि लगातार मीटिंगों का दौरा जारी है और खासतौर पर सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और सबको सचेत किया जा रहा है कि कोई भी ऐसी बात न लिखे और ना ही शेयर करे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का डर हो। देखिए, जब से अयोध्या पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला था तभी से ये जो सोशल साइट्स है उसके स्कैनिंग की जा रही थी, उस पर निगाह रखी जा रही थी और 6 दिसंबर को देखते हुए लगभग पिछले एक हफ्ते से लगभग जो 1200 अकाउंट्स हैं उन पर बहुत सतर्क दृष्टि रखी गई। कुछ लोगों को जो संदिग्ध लोग थे उन्हें नोटिस भी दिए गए, उन्हें चेतावनी भी दी गई और जो इस टाइप के लोग थे जो इस टाइप का कृत्य करते हैं उन्हें बुला के समझाया भी गया और बताया गया कि यदि आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो उसमें कानूनी प्रावधान के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो ग्रुप एडमिन्स हैं जिन पर इस तरह की जो आते हैं उन पर उनको भी समझाया गया, उनको भी बताया गया और उनसे बताया गया कि यदि कोई इस तरह की बातें सोशल साइट्स पर आपके ग्रुप पर आएंगी तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो उससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा, लोगों को एजुकेट किया गया, लोगों को समझाया गया, उससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा और अभी तक कोई भी ऐसी पोस्ट कहीं किसी सोशल साइट पर नहीं आई है जो आपत्तिजनक हो। देखिए, यह संयोग से आज 6 दिसंबर का भी दिन है लेकिन ये शासन के भी निर्देश है और हम लोगों ने भी आपस में निर्णय ले रखा है कि हम लोग समय समय पर इस तरह की फूड पेट्रोलिंग और आयोजित किया करेंगे और इसका उद्देश्य केवल ये रहता है कि प्रशासन के प्रति लोगों में आस्था बनी रहे, उनका विश्वास बढ़े और जो अराजक तत्व हैं उनको ये संदेश दिया जा सके कि उनकी गतिविधियों पर हमारी नज़र है और अगर वो किसी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज क्योंकि एक 6 दिसंबर का दिन भी था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस भी है और आज जुमे की नमाज भी है, तो 3 चीज़ें ऐसी थी जिसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा और प्रिकॉशन उन लोगों ने लिया है और सेक्टर स्कीम हमने कल से लागू कर रखी थी। पूरे ज़िले को हमने 10 सुपर जोन में, 18 जोन में और 56 सेक्टर्स में डिवाइड करके अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। उनके साथ जो काउंटर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी उनके साथ हैं और लेकिन बड़े सुख की बात है, प्रसन्नता की बात है कि अभी तक किसी तरह का कोई निगेटिव फीडबैक या कोई निगेटिव जानकारी इनपुट हम लोग को नहीं मिला है जो शांति व्यवस्था को लेकर किसी तरह का चैलेंज पैदा कर सकते हैं।